Assalamu alaikum, dear students. So I've decided to basically record this portion that was left because from Monday onwards, we're going to be discussing the domestic affairs of Pakistan and I don't want us to fall behind. So basically, हमने यहाँ पे छोड़ा था कि क्यों मिडिल ईस्ट जो है इज सच अ कॉन्फ्लिक्ट रिच रीजन कि यहाँ पे इतने मसाइल हैं इतने इश्यूज हैं और ये आपके सामने जो है एग्जाम्पल है कि कितने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट में ऑन एंड ऑफ होते रहे जनरली भी हिस्टोरिकली भी थोड़ा सा अगर आप इसको देखें तो ये जो इलाका है मिडिल ईस्ट का या तो वो किसी एम्पायर का हिस्सा बन रहा होता था या किसी एम्पायर के हिस्से में से गिर रहा होता था मीनिंग दैट कि इस एरिया में इस इलाके में बिकॉज ऑफ पार्टली बिकॉज ऑफ द वेरी फेमस सिल्क रूट वो जो ट्रेड रूट बनता था लैंड का जहाँ पे अरब्स ने बहुत ज्यादा बाजार बनाए लगाए और जनरली भी सी ट्रैवल से पहले ये वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट रिच रीजन ही रहा है थ्रू आउट हिस्ट्री किसी भी पॉइंट पर हिस्ट्री में इस जगह पर ये नहीं कहा जा सकता कि मुकम्मल अमन था देयर वाज ऑलवेज इंसर्जेंसीज देयर वाज ऑलवेज फाइट अगेंस्ट सम टिरनी कभी रोमन्स के साथ बैक ऑफ करने के मतलब इवन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दौर में हम ये देखते हैं कि अरब से बियॉन्ड और उसके इर्द गिर्द के रीजन्स में एक कॉन्स्टेंट स्ट्रगल ही चल रही है कभी रोमन से कंट्रोल आ जाता है कभी बेडुइंस का आ जाता है कभी हम देखते हैं कि ईरानी जो डायनेस्टीज हैं वो इस इलाके पे कब्जा कर जाती हैं पार्टली जो कॉन्फ्लिक्ट जो यहाँ पे अभी भी रीजन में चल रहे हैं उनकी कुछ कल्चरल बेसिस तो आपको नजर आएगी सिंपली सऊदी अरब की रूट्स में और ईरान की रूट्स में द पर्शियन एम्पायर हैज बीन फेमसली नोन टू एक्सपैंड इट्स इन्फ्लुएंस एज फार एज द मिडल ईस्ट एज पॉसिबल सो नोइंग वेल कि ये रीजन हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रिडन ही रहा है तो देर इज नो वन सेट सोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट इन मिडल ईस्ट या जिसको मिडल ईस्टर्न प्रॉब्लम अब कहता है यूएस सो वी आर गोइंग टू चूज द मोस्ट फेमस इन रिसेंट हिस्ट्री जो दो आपके बहुत फेमस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बिकॉज़ ऑब्वियसली लाइक आई सेड कि अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा फोरफ्रंट पे आया हुआ है और पिछले साल तक किसी को ये खबर भी नहीं थी कि एक्चुअली ऐसा हो जाएगा कि तालिबान विल टेक ओवर एंड इट वुड सिंपली बी wasted two decades in Afghanistan. But that's a separate story. Or inshallah, Monday ko we will start covering those aspects also. So knowing full well ke abhi ye thoda sa back burner pe ye wale conflicts chale gaye hain, lekin baharal they're equally important for the purpose of your exam. Jisme sabse top ki list pe hamare paas abhi bhi agar koi conflict aata hai, so that is the Syrian conflict. Acha, ye isliye bhi zara important conflict hai because it is perhaps the most complex एंड मल्टी लेयर्ड किस्म का कॉन्फ्लिक्ट इन दिस पर्टिकुलर रीजन इससे पहले कहीं पे भी इस तरह का कॉन्वुलेटेड और कंफ्यूजिंग जो है कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ जिस तरह का सीरिया में हुआ था एज यू कैन फ्री सी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चार्ट एज वेल कि ये आप देखें कि यहाँ पे एक चार मेजर सेंट्रल ग्रुप्स थे जिसमें एंटी असाद ग्रुप्स थे विच इज द शिया हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट फिर असाद रजीम इटसेल्फ जो है वो थी फिर कुर्दिश फोर्सेस थी अच्छा अब कुर्द्स भी जो है एक बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक सा उनका इशू है कि वो दे डिमांड अ स्टेट ऑफ देयर ओन बट दैट स्टेट वुड बी अ पार्ट ऑफ मॉडर्न डे टर्की सीरिया इराक मतलब इन तीन स्टेट्स का कुछ पोर्शन मिला मुलूक के ये एक स्टेट बना सकते हैं तो वाइल इट वुडंट मैटर कि इनको रिकग्नाइज करती हो इंटरनेशनल कम्युनिटी एज बिलिग्रेंट्स कि वो दे आर फाइटिंग फॉर द राइट टू हैव देयर ओन स्टेट या व्हाटएवर लेकिन बहुत अनरियलिस्टिक सा गोल है इनका कुर्दिश फोर्सेस का दे आर डिमांडिंग अ लैंड ऑफ देयर ओन फ्रॉम थ्री डिफरेंट स्टेट्स सेपरेटली एक से लेना यहाँ पे इम्पॉसिबल होता है तो वो तो फिर भी तीन ममालिक के मुख्तलिफ इलाकों में से वो मांग रहे हैं हिस्सा विच इज वाई आप लोगों को पता होगा कि जैसे ही ये इस्लामिक स्टेट जो आइसिस है उससे जब फाइट तकरीबन ये लोग जीत गए हुए थे तो उस पॉइंट पर by the end of this particular conflict jisko wo keh rahe the ki we have won the war in syria jisko declare kiya tha us ne because isis ko unhone effectively wahan se uproot kar diya tha wo ilaka unse wapas le liya tha to uske immediate aftermath mein jo unke sabse bade allies the jaise ki aapne ye dekha ki even though these people were fighting with the kurds the turkish army started attacking the kurdish fighters और उनको मैनेज ही आईसिस के जो प्रिजनर्स उनको मैनेज भी कुर्दिश फाइटर्स ने ही किया हुआ था ऑन ग्राउंड सो डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट्स इन रीसेंट हिस्ट्री तो ये एक पॉइंट था जहां पे ये चार मेजर ग्रुप्स थे फिर इनके थ्रू प्रॉक्सी वॉर हो रहा था इन
मेजर एरियाज में. एज यू कैन सी दैट रशिया वाज सपोर्टिंग एंड वो ईरान को बैक कर रहे थे, इराक उनको बैक कर रहा था, लेबनीज हिज़्बुल्ला बैक कर रहे थे साद रिजीम को बिकॉज ऑफ द शिया बेसिस. आइसिस अपनी बिल्कुल अपनी दुनिया खड़ी करके खड़ी हुई थी और इनके खिलाफ तो सब ही लड़े थे. अच्छा, इनसे लड़ते हुए भी ये तीनों ग्रुप्स, असाद, एंटी असाद ग्रुप्स और कुर्दिश फोर्सेस एक दूसरे पे भी हमला जारी रखे हुए थे, विच इज वाई हमने देखा कि 2018 में कॉन्स्टेंटली बार बार ये भी आता था कि जी फलाह ने कुर्दिश फोर्सेस के स्ट्रॉन्ग होल्ड पे हमला कर दिया, या असाद रजीम ने एंटी असाद ग्रुप्स के ऊपर हमला कर दिया, या एंटी असाद ग्रुप्स जो थे वो ऑन एंड ऑफ असाद रजीम के फोर्सेस पे भी, सीरियन फोर्सेस पे भी हमला कर रहे थे. सो इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट्स या हॉट पॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एवर, कि इतनी सारी पार्टीज एकदम इन्वॉल्व हो गई थी. लेकिन इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेम्बर कि यहाँ पे जो लार्जर फोर्सेस थी, विच इज योर टर्की, यूएस और रशिया, इनकी इन्वॉल्वमेंट एयर स्ट्राइक्स तक ही लिमिटेड थी. अब यहां से हम देखते हैं कि जी एयर स्ट्राइक्स किस तरह अटैक करी. एज यू कैन सी दैट द यूएस ऑफिशियली नेवर बॉम्ब्ड एनी अदर ग्रुप, ऑफिशियली स्पीकिंग दे वेरी क्लियरली स्टेटेड कि वी आर नॉट अटैकिंग एनी अदर फोर्स इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट. However, the Russians were famously tracked as attacking ISIL, but also anti-Assad groups. वो ये कहा कह तो नहीं है, obviously they did not really admit to this, but anti-Assad groups या जो Islamic brigades थी जो कि civil war की बाद ये आई हैं. अच्छा, एक और point यहाँ पे याद रखने के लिए ये है कि Syrian conflict की जो basis है वो पानी की किल्लत से generate. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है एंड आई वुड वांट यू गाइस टू डू अ लिटिल रिसर्च ऑन दिस एंड फाइंड आउट कि हाउ डिड द वर्स्ट ड्राउट इन द हिस्ट्री ऑफ सीरिया लेड टू द सिविल अनरेस्ट एंड दैट इवेंचुअली लेड टू दिस हॉरिबल कॉन्फ्लिक्ट. ऐसा क्या हुआ था? और फिर आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वाटर स्ट्रेस वाले इशू को आप मुवाजना करें या कंपेरिजन करें बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त जो पानी की किल्लत का बहुत बड़ा मसला है, और मुझे बताएं कि इनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं. ये एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. डू अ लिटिल रिसर्च एंड यू विल फाइंड आउट कि जो इस कॉन्फ्लिक्ट की बेसिस है, बिल्कुल अगर बिल्कुल रूट कॉज को आप ट्रेस करें तो सबसे पहला इशू वो है, वो था ड्राउट, द वर्स्ट ड्राउट इन द हिस्ट्री ऑफ सीरिया, जिसकी वजह से सिविल वॉर एसेंशियली स्टार्ट हुआ एंड दैट गॉट वर्स आफ्टर द गवर्नमेंट फोर्सेस स्टार्टेड अटैकिंग द स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स. ये लोग वहां से स्टोरी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले भी कि व्हाट एक्चुअली लेड टू द सिविल अनरेस्ट, इट वॉज those water issues or drought issues that caused this horrible heartburning against the government sabse pehle. So this is the really complex landscape of this particular conflict. Kyunki ab ye is form mein exist nahi karta, to we can safely say ki ji ye itna us point of view se relevant nahi hai. Lekin agar aapko iski evolution ke hawale se question aaye, to ke mushkil hai because Syrian conflict has fallen out of मतलब द न्यूज एज सच वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा. लेकिन इट इज आपका क्योंकि जिक्र है इस कॉन्फ्लिक्ट का स्पेसिफिकली भी, और क्योंकि ये मिडिल ईस्ट का बहरहाल इस वक्त भी जो है फाइटिंग अगेंस्ट आईसिस के जो स्लीपर सेल्स हैं और उनकी एक्टिविटी अक्रॉस वेरियस रीजन्स, तो वो भी चल रही है. बल्कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आईसिस के बहुत सारे सेल्स जो है उन्होंने अपने आप को शिफ्ट कर लिया अफगानिस्तान के अंदर और अफ्रीकन स्टेट्स के अंदर. मतलब इंटायरली एलिमिनेटेड नहीं है, पावर खत्म हो गई है उनकी पर एलिमिनेटेड नहीं है. Okay, so this is like a brief history of the most high profile attacks that were claimed by ISIS or the Islamic State of the Levant. Ab ye inka naam tha ya Daesh jisko hum kehte hain. So as you can see ki inka region kitna zyada inhone ek point pe control kar liya tha modern day Syria. January 2015 ke andar takriban 1/3 of the entire region was controlled by ISIS. Bahut unhone zulm kiye, bahut मुश्किलात हैं एंड ये हमें पता है कि उन्होंने इराक में बहुत ज्यादा कत्लो गारत किया एंड नो वन पार्टी वाज एक्चुअली वेरी सपोर्टेड एट एनी पॉइंट. अब आप ये देखें जो इनके वर्स्ट नोन अटैक्स हैं वो कौन कौन से हैं. कैंप स्पीशर मैसेकर, तिक्रित इराक, फिर दे किल्ड ओवर 1700 पीपल देयर, 22 लोग इन्होंने मारे बारदू म्यूजियम में टूनिजिया के अंदर, फिर अगेन 38 पीपल, एंड देन ये दिस बटा क्लैन एंड एल्सवेयर, एंड देन पेरिस. That is probably one of the worst. जिसके बाद जो international community है, it actually led to this one particular point जहाँ पे उन्होंने ये realize किया कि उनकी involvement in these conflicts has now started to spill into Europe. ये एक underlying realization है
जो कि हम देखते हैं अमेरिका भी कर रहा है, और ये भी कि मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट इन्होंने जिधर जिधर जहाँ पे शुरू किए हैं, नेटो फोर्सेस ने जहां जहां शुरू किए हैं, अब दिस कॉन्फ्लिक्ट हैज स्टार्टेड टू स्पिल ओवर इनटू यूरोप, इनटू दोज फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जिनका कभी कोई इस मामले से तस्वुर या ताल्लुक भी नहीं था। तो हमें ये भी समझ में आती है कि अब जो नैरेटिव है वॉर ऑन टेरर का वो बहुत चेंज हो गया। आज अगर तालिबान का स्पोक्स पर्सन एक अमेरिकन न्यूज चैनल पर बैठ के ये कह सकता है कि जी उसामा के खिलाफ, उसामा बिन लादेन के खिलाफ कोई चार्जेस प्रूव नहीं हुए थे और अमरीकियों ने हम पे बगैर सोचे समझे बगैर किसी वजह के हमला किया था और अब हमें जो हमारा जो कंट्री है दैट विल नॉट यूज एज अ प्लेटफॉर्म फॉर टेररिज्म फॉर अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर स्टेट। तो दिस शोज एन एक्सट्रीम सॉर्ट ऑफ 180 डिग्री शिफ्ट इन पॉलिसी। दिस वॉज नॉट पॉसिबल इवन 2-3 years ago. लेकिन क्लियरली ट्रंप का जो एक इलेक्शन था वो एक वो बड़ा की डिफाइनिंग मोमेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, बिकॉज उससे पॉलिसी शिफ्ट ही हो गई है इंटायरली। जब ये डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स जो दोनों तरफ थे, नाइदर ऑफ द पार्टीज एक्चुअली सपोर्टेड ट्रंप और हिज पॉलिसीज बिकॉज ही वॉज एन इरेशनल अनकंट्रोल्ड मैन। हाउएवर उसका जो मेजर पॉइंट था ऑफ विड्रॉइंग ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान, जिस तरह से उसको पब्लिक सपोर्ट मिली और जिस तरह वो ये इलेक्शन जीत गया ऑन राइडिंग ऑन सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉसिबल आइडियोलॉजीज, एंटी ग्लोबल आइडियोलॉजीज, तो उससे आपके जो ये जो पॉलिटिशियंस हैं आप मॉडर्न, उनको एक ये बात रियलाइज हुई कि क्लियरली द वॉर एफर्ट जो ग्लोबलाइजेशन है दिस इज स्टार्टिंग टू बिकम अनपॉपुलर विद द मैसेस एंड इफ दे वांट टू स्टे इन पावर तो उनको इन चीजों से फाइट करना। नोबडी रियली केयर्स व्हाट सम अदर टेररिस्ट ग्रुप इज डूइंग इन सम Middle Eastern countries, so long as their own soldiers are not dying for it. So, अब जो narrative है वो change हो रहा है। पहले जमाने में होता था कि भाई हम पे हमला किया, हमने preemptive strike की, हमारा right बनता था। पहले public support बहुत ज़्यादा थी। अब public support बिल्कुल shift हो गई है। After 2 decades of bringing back dead bodies of soldiers and veterans who are permanently injured, मतलब generally आप देखेंगे कि war effort का कोई favorable response रह नहीं गया। तो ये withdrawal inevitable था, जिस तरह से पुराना इनका withdrawal था वियतनाम से वो भी inevitable था, ये भी inevitable था, ना तब ये लोग जीते ना अब ये लोग जीते। सो इसमें ये हम ये देखते हैं कि बहरहाल उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर करके छोड़ा, इतनी rampant corruption थी अब इस वक्त पॉइंट पर अफगानिस्तान के अंदर, कि ये विड्रॉल जो है उसके ऊपर हम इतनी जो कॉन्वर्सेशन अब देख रहे हैं एंड वाई पीपल फील दैट दे वर बिट्रेड आउट ऑफ दिस होल सिचुएशन और उनको तालिबान के हवाले कर दिया गया है वापस, तो इसकी वजह भी यही है कि व्हाई डिड यू गेट इन्वॉल्वड इन द फर्स्ट प्लेस। अब इसी तरह यहाँ पे सीरिया के अंदर भी जब ये इन्वॉल्वमेंट थी, नेटो एयर स्ट्राइक्स की इन्वॉल्वमेंट थी, जब फ्रांस इन पे एयर स्ट्राइक्स कर रहा था, फ्रांस ने बहुत ज्यादा एयर स्ट्राइक्स इनहेंस कर दी थी इमीडिएटली आफ्टर द अटैक ऑन द फेमस पेरिस अटैक। उसी के बाद फौरन इमीडिएटली हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से इन लोगों के बहुत हाई प्रोफाइल अटैक्स हैं इन्होंने किए हैं ओवर अ सीरीज ऑफ 5 years एंड लेकिन उस दौरानिया में बहुत ब्रूटल अटैक्स रहे हैं जिसमें पाकिस्तान भी बहुत बड़ा विक्टिम रहा है। अब इनके ऊपर जो प्रेशर है वो सही मानों में बिल्ड हुआ था 2017 के अंदर, उसके बाद वॉर एफर्ट जो है ना विद इन अ ईयर दे वर बॉम्ब्ड आउट ऑफ इन्फिनिटी, क्वाइट लिटरली चारों तरफ से पार्टीज एक दूसरे की दुश्मनी भूल के इनके ऊपर हमला करना शुरू हो गए। सो दिस इज हाउ दिस सिचुएशन एक्चुअली इवॉल्व्ड। और ये हमें पता है, एवरीबडी आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द स्टोरीज ऑफ द हॉरिबल वॉर क्राइम्स, किस तरह से इन्होंने नेशनल्स अक्रॉस द ग्लोब जो है उनको रिक्रूट किया और कैसे कैसे लोग, चाहे वो यूके में थे चाहे वो यूरोप में थे, कहाँ कहाँ से लोग गए एंड दे ज्वाइंड दिस पर्टिकुलर ग्रुप्स कॉज, और इनका जो प्रोपेगेंडा मशीनरी थी वो कितनी स्ट्रॉन्ग थी और कैसे वो इराकी तेल जो है वो सेल कर रहे थे और उससे अपनी वेपनरीज खरीद रहे थे। तो मतलब प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टेररिस्ट ग्रुप्स टू हैव एग्जिस्टेड इन रीसेंट टाइम्स। अच्छा, इस वक्त जो है दिस इज द करंट पोजीशन राइट नाउ। हमें ये पता है कि 2018 में इट वॉज ऑफिशियली द फॉल ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप और 19 एंड के अंदर जो है ये कहा उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि दे हैव ऑफिशियली वन। हाउएवर सब्सटेंशियल लॉसेस के बावजूद यूएन की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि अभी भी 14,000 से 18,000 मिलिटेंट्स इराक और सीरिया में कहीं ना कहीं फैले हुए हैं, वही जो स्लीपर सेल्स में आपको बात करें। अब इनसे अफिलियेटेड जो मिलिटेंट्स हैं वो अफगानिस्तान में, इजिप्ट में, साउथ ईस्ट एशिया में और वेस्ट अफ्रीका में और सोमालिया में, यमन में और साहिल में अब पाए जाते हैं इस वक्त, और इनके कई स्लीपर सेल्स हैं जो कि रूरल एरियाज में अब छुप गए हैं। यानी कि अलकायदा माइट नॉट बी द रियल थ्रेट एनीमोर एज सच,
एंड उसके बाद अब द नेक्स्ट नोन है कि तालिबान तो पॉलिटिकल एंटिटी बनने जा रहे हैं, वो भी दे हैव फॉलन आउट ऑफ. सो द मेजर ग्लोबल सॉर्ट ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉपुलर बिलीफ दीज डेज इज आईसिस या दाइश. इंटरेस्टिंगली दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या दूसरी इंसर्जेंसी भी इस पर्टिकुलर ग्रुप को सपोर्ट नहीं करती. पार्ट ऑफ द रीजन इज द हॉरिबल क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट माइनॉरिटी वुमेन इन सीरिया. जो यजीदी ट्राइब्स की खवातीन के साथ जो उनका सलूक रहा है और वहां से जो बिकॉज दीज वर नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज, तो इनको स्लेव एंड देन सेक्सुअल स्लेवरी में डालना और फिर इनके मर्दों को कत्लो गारत करना, जो बहुत एक वाइड स्प्रेड सेंसलेस वायलेंस का मुजाहरा किया और फिर उनको माल गनीमत बना के ट्रीट किया. इस पार्ट ऑफ दिस वॉज द रीजन दैट इवन द एंटायर इस्लामिक वर्ल्ड कम्प्लीटली डिसओन्ड दिस ऑर्गेनाइजेशन. कोई आपको ऐसा पर्टिकुलर थिंकर नहीं मिलेगा जो उनको हल्का सा भी सपोर्ट करा था, बिकॉज दे बिकेम टू डेंजरस. एट वन पॉइंट सऊदी अरब वॉज नॉट फुली डिनाइंग देम, मगर जब ये सारी सिचुएशन इतनी वर्स हो गई तो फिर उन्होंने भी ओपनली इनको डिसओन किया और कहा कि दीज आर नॉट मुस्लिम्स. ओके, सो नाउ दैट इज द फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट और उसकी क्या वो एवोल्यूशन थी और किस तरह हुआ वो. एंड देन कमिंग बैक टू द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कंटेंशियस एंड फेमस कॉन्फ्लिक्ट का वर्ड मैं यहाँ यूज कर रही हूँ बिकॉज दैट इज द इंटरनेशनल टर्म दैट इज यूज फॉर दिस पर्टिकुलर इशू. लेकिन एक्चुअली में ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये ऑक्यूपेशन है. बुनियादी तौर पर एक कॉलोनाइजेशन या ऑक्यूपेशन है. क्यों? क्योंकि जो लैंड ऑफ पैलेस्टाइन था वो असेंशली पैलेस्टीनियंस का था. Jews came to Palestine first and foremost as refugees. उसको स्टेट बना दिया जाएगा या जो भी किया जाएगा, ये डिसीजन सारे बाद में. Okay, I'm going to play this particular video for you because I find कि this is ये कुछ अर्सा पहले ये चीज वायरल हुई थी. And try to listen to how she sort of sums up the whole conflict. Okay, so basically this is the source of the entire issue. Isko hum keh sakte hain, this letter is considered a life-altering, life-changing declaration for the Palestinians. Aur isko wo they celebrate this as a dark day in their history, jabki the Jews call it the foundation of the Jewish state. Zionism is a very specific kind of ideology. So, Zionism से क्या मुराद है? सबसे पहले ये समझने की जरूरत है. Zionism का बिलीफ ये होता है कि जी ये जो प्रोमिस्ड लैंड है, ये दिस इज समथिंग टू डू विद पार्टली देयर रिलीजियस बट इट इज एक्चुअली अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जो ये कहती है कि ज्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल अराउंड द ग्लोब. वो अलग किस्म के लोग हैं एंड दे डिजर्व अ स्टेट ऑफ देयर ओन. ये मुद्दा इतना सा है. सो Zionists जो है, रिमेंबर दिस के इसका ताल्लुक थोड़ा सा रिलीजियस बिलीफ्स के साथ भी है कि एक प्रेडिक्शंस ऑफ द एंड. सो जो क्रिश्चियंस हैं वो ये बिलीव करते हैं कि फॉर
रैप्चर, रैप्चर इज व्हाट दे रिगार्ड एज द रिटर्न ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसको अमल में लाने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट द ज्यूज मे कंट्रोल द लैंड ऑन द बोथ साइड्स ऑफ रिवर जॉर्डन. दैट मीन्स के जो आपके जो क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट हैं वो ये बिलीव करते हैं कि दे डिजर्व अ स्टेट एंड जो एंड ऑफ टाइम्स है या रैप्चर है या रिटर्न ऑफ जीसस क्राइस्ट विल नॉट हैपन टिल द टाइम ज्यूज हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दीज टू पर्टिकुलर एरियाज. अब पैलेस्टाइन इज ऑब्वियसली एज यू ऑल नो इज वन ऑफ दोज रीजन्स जहां पे उनका कंट्रोल अभी फुली आया नहीं है लेकिन आ रहा है. तो पार्टली ये भी समझा जा सकता है कि मे बी एट द कोर ऑफ इट दिस इज ऑल्सो द बेसिस ऑफ इट. सो Zionism का जो founder है which is Lord Rothschild, and Rothschild family के बारे में आप थोड़ा सा भी look up करें, you'll find out that they're essentially like the controlling family of banking. So अब Rothschild family और जो Lord Rothschild को ये letter लिखा गया 1917 में was done by the foreign secretary. It wasn't even done by the prime minister of the British Empire, but by the foreign secretary, which was Balfour. Balfour ने दी ये जो लेटर दिया एंड रिकग्नाइजिंग अ ज़ायनिस्ट फेडरेशन एंड खुद ही से क्योंकि दे हैड टेकन दिस फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई ये एरिया ये पोर्शन हम इनको यहाँ पे सेटल कर देते हैं. तो इट टर्न्ड एंड देन दिस डिक्लेरेशन वाज मेड और इस डिक्लेरेशन के नतीजे में फिर फाइनली लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ज्यूज फाइनली केम to Palestine and ISIS or the current situation hai wapo ke samne ke kaise people that came as refugees and eventually pushed back the actual citizens of that area. acha ab Jews kya claim karte hain? Jews ye claim karte hain ki ye hamara promised land hai, that we are the actual owners of this, ke hamare forefathers hamare ancestors jo hain wo yahan the, ke hum jab Hazrat Musa Ali Salam ke sath aaye the to this was our land. now that is very ridiculous. ye aisi baat hai ke mere se aake koi ye bole कि तुम मुसलमान हो, तुम लोग तो फलां कश्ती पे इस बंदे के साथ आए थे, तो वी द हिंदूज एक्चुअली कंट्रोल दिस लैंड, ये तो हमारा इलाका, तो तुम अब चले जाओ. दिस इज एज रिडिकुलस एज इट साउंड. यू कैन नॉट आस्क समवन हु इज लिविंग देयर नाउ बिकॉज यू थिंक दैट योर फोर फादर्स समहाउ वर चीटेड आउट ऑफ दिस लैंड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, पहले मॉडर्न स्टेटहुड से पहले सब चीज. सो दैट मेक्स नो सेंस एट ऑल. So this is the occupation status as well. तो nationalist movement थी और वो क्या है, and उन्होंने ये बताया कि in the area roughly corresponding to Canaan, the holy land जो मैंने आपको बात की, promised land, the region of Palestine और Eretz Israel on the basis of a long Jewish connection and attachment to that land. अब वो क्या है जी, Jerusalem being the center of it, ये तो हमें पता है कि तीन religions का nexus है यहाँ पे, Christianity, Judaism and Islam. अब हमारे लिए मस्जिद अक्सा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए जो डोम ऑफ द रॉक है वो इम्पोर्टेंट है, क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सारे जो क्रूसेड्स हुए हैं उससे हमें ये पता चलता है कि हिस्ट्री में हर वक्त इस इलाके के ऊपर एक लड़ाई रही है. तो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भी ये रिवाइवलिज्म किस तरह हुआ और जूश इनलाइटनमेंट हुई पोस्ट वर्ल्ड वॉर, ये यहाँ पे आके लोगों ने सेटल करना शुरू किया, एंड आहिस्ता आहिस्ता कैसे दिस became like a center for Judaism. और ये आप देख रहे हैं कि इनका क्या position है, कि Jewish Israelis total कितने हैं और Palestinian citizens of Israel are 1.6 million. However, अगर आप सारे Palestinians को count करना शुरू कर दें और उनको citizenship के rights दे दिए जाए या right of return दे दिया जाए, जिनको निकाला गया था, जिसको हम कहते हैं वो नकबा कहते हैं, कि दे वर किक्ड आउट ऑफ देयर होम्स एंड दे हैड टू फ्ली देयर होम्स बिकॉज़ ज्यूइश स्टेट वाज डिक्लेयर्ड. अब सो दिस इज द रफ हिस्ट्री ऑफ व्हाट हैज हैपेंड थ्रू आउट. सो 48-49 के अंदर बेलफोर डिक्लेरेशन के फौरन बाद जो है इजराइल्स वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द पैलेस्टीनियन नकबा. इसराइल के ऊपर इस दौर में जो इर्गिर्द से हमले थे फ्रॉम द मिडल ईस्टर्न स्टेट्स दैट एक्चुअली हेटेड द फैक्ट कि ये लोग यहाँ पे काबिज हो गए, तो उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया था इनके ऊपर. उस पॉइंट के ऊपर हम ये देखते हैं कि जी बेलफोर डिक्लेरेशन तो काफी पुरानी है लेकिन अब और कुछ साल पहले इसको 100 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन जो पैलेस्टीनियन नकबा है वो था कि इसराइल ने अपने आप को ऑफिशियली स्टेट रिकग्नाइज करवा लिया था इन 1948. So it's a point to be noted here ke other than
इसराइल द ओनली अदर स्टेट जिसको रिलीजियस बेसिस के ऊपर डिक्लेरेशन मिली थी या जिन्होंने अपनी रिकग्निशन डिमांड की थी एज अ राइट ऑफ रिलीजन, वो दूसरी स्टेट कौन सी है? वो पाकिस्तान है. देर आर ओनली स्टेट्स, टू स्टेट्स इन द एंटायर वर्ल्ड दैट केम इन टू बींग ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. वन इज पाकिस्तान, द अदर इज इसराइल. सो रिलीजन को यूज करके दे बुलीड देयर वे इन टू अ स्टेट. एंड नाउ दैट वी आर सेइंग दिस अबाउट देम, वी कैन we must also accept the reality ke many of the countries around the globe and history also says the same thing about us, ke we came into state because we bullied ourselves into a state by claiming that we are Muslims and we demand our separate state. So ye wali cheez jo hai aapko thodi si match up milegi to trick up. Ab coming to say the same thing ke wo pehle remember this ke jo narrative hai yahan pe Jewish settlers ka wo wahi tha, अभी भी वही है कि हमें प्रोसिक्यूट करते थे, ये हमारे पे हमला करते थे, हमने बहुत लड़ लड़ के बड़ी मुश्किलों से चारों कोनों के ममालिक से लड़ के जो है हमने ये जगह हासिल की है. दैट इज नॉट इंटायरली इनएक्यूरेट एंड दैट देयर आर टू रीजंस कि आप सबसे पहले तो इट इज अ सैड रियलिटी कि एक्चुअली चार ममालिक उस जमाने में जिस वक्त इनको एक्चुअली हराया जा सकता मिलकर इनको हरा नहीं सके. उसके बाद जितनी भी जो क्राइसिस हुई है जिसमें स्विस क्राइसिस और 1956, फिर द सिक्स डे वॉर, फिर द योम किपुर वॉर and then the Palestinian uprising in 87. ये इससे पहले जो तीन चार wars हुए जिसके अंदर Jordan involved रहा, Egypt involved रहा, ये सारे ममालिक, Lebanon involved रहा, then low border conflicts भी रहे, तो वो effort को अपने इतना consolidate ही नहीं कर सके कि they could take it back. So वो time था कि जब Israel could have been brought to its knees to the point where they would give up the land that they had stolen from the Palestinians. Yeah, at least apni occupational hold ko wo kam kar sakte the. Lekin because of the poor war effort and logon ke apne vested interests aur leadership ki poor planning ki wajah se, these crises ultimately ended up with these countries, Oman, Jordan and Egypt, in fact signing treaties with them. Aur kai ulta kabza kar liya unhone ilaqon ke upar. और ये हमें पता है कि फिर 87 में फाइनली पैलेस्टीनियंस स्टार्टेड टू राइज अप अगेंस्ट इट. अब हमें ये पता है कि इनके जो मशहूर लीडर्स हैं और किस तरह से इंतफादा जिसको ये कहते हैं, विच इज देयर रेवोल्यूशन, द फर्स्ट ग्लोरियस रेवोल्यूशन एंड आल्सो नोन एज सॉर्ट ऑफ द बर्थ ऑफ हमास, कि ये वो स्टेज थी जब हमें ये पता चला कि जी जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन फ्रंट है दैट इज नो लॉन्गर इफेक्टिव ओनली. अब हमास जो कि मिलिटेंट इनका ग्रुप था वो पावर में आना शुरू हो गया. And we know के 1982 में लेबनान वॉर जो हुआ उसके पीछे एक मेजर रीजन ये भी था कि आपका जो इजरायली फोर्सेज है उन्होंने ये क्लेम किया कि ये हमास यहाँ छुपके बैठे हुए, उन्होंने स्ट्रॉन्ग होल्ड लेबनान में किए हुए, और वहां से हिजबुल्ला का रिस्पॉन्स बड़ा सिवियर आया. और उसके अलावा भी दे नेवर एक्चुअली फिजिकली गेव अप हमास, और उन्होंने इन प्रोटेस्ट इजराइल प्रीटी मच डिस्ट्रॉयड. फिर अब हम ये देखते हैं कि फिर पहला जो थोड़ा पीस एफर्ट जिसको हम कह सकते हैं, दैट केम अराउंड इन 93 विद द हेल्प ऑफ बिल क्लिंटन, आपके उस वक्त मौजूद गद्दाफी एंड मेनी अदर पीपल, दे गॉट टुगेदर एंड दे केम टू दिस पॉइंट कि जी अब हम वी कैन सॉर्ट ऑफ कम टू सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग. एंड द ऑस्लो अकॉर्ड्स कि जी अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ दीज लाइंस, और उनको वेस्ट एक्सपेंशनिज्म पे मना किया गया और इसराइल को रोका गया कि दे शुड नॉट अपनी वेस्ट बैंक की एक्सपेंशनिज्म को वो रोकते. बहरहाल इसके ऊपर इंटरनेशनल जजमेंट भी आ चुकी हुई है, आपके जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने भी इनको रोका और इसराइल के अगेंस्ट जजमेंट दी कि ये इलीगल ऑक्यूपेशन है, विच इज वन ऑफ द रीजन कि जेरूसलम हैज नेवर बीन रिकग्नाइज एज अ कैपिटल ऑफ इसराइल. तो वो जो इशू अब खड़ा हुआ था सारा कि जी ट्रंप ने इसको रिकग्नाइज कर लिया था, क्यों इंटरनेशनली नो बडी डिड. उसके बाद जनरल असेंबली में जब वोट हुआ फाइनली, so once again it was denied, nobody was on board with this ke jerusalem ko aap kisi tarah capital declare kar de, aur kisi aur mulk ne apni jo embassy hai wo jerusalem mein move nahi ki because it was a very dangerous ideology ke aapko pata hai ki conflict area hai, isliye wo baki sare mumalik ne tel aviv ke andar hi apni rakhi, matlab bahut buri tarah ye resolution haar gaye. And fir us uske baad dhake chupe alfaz mein sari general assembly ko dhamki bhi di कि मतलब we will never forget this day that we were rebuked in the General Assembly. So it was a disaster. That was a disaster also. फिर we come to the second intifada. 2000 के अंदर second intifada जो हुआ, once again the second wave of revolution that carried on. फिर once again फिर fighting broke out 2006 में,
जो पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप हमास विच वॉज नॉट रिकग्नाइज बाई इसराइल एक्चुअली विन्स द इलेक्शन इन गाजा. तो दैट शोज यू कि जी पैलेस्टीनियन माइंड सेट जो है वो मिलिटेंट हो चुका हुआ है. इट डज नॉट केयर फॉर एनी काइंड ऑफ पीसफुल सोल्यूशन. फिर 2006 में वंस अगेन इनके ग्रुप्स और फ्रिंज ग्रुप्स जाके लेबनान में छुपे या वहां पे फिर इसराइल ने बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी और हमले स्टार्ट कर दिए. फिर अगेन अनरेस्ट शुरू हुआ. फिर हम देखते हैं कि 2008 में 3 हफ्ते बहुत ब्रूटल अटैक्स हुए गाजा के ऊपर. रॉकेट बराजेज उन्होंने भी फायर किए और पैलेस्टीनियंस ने भी फायर किए. हाउएवर दिस नीड्स टू बी रिमेम्बर्ड कि इसराइल की जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी और डिफेंस सिस्टम्स हैं वो इतने वेल इक्विप्ड हैं कि कभी भी दोनों साइड्स के ऊपर जो फाइट है वो इक्वलेंसी पे नहीं रही, इक्वल फुटिंग पे नहीं है फाइट. इट्स लाइक कि आप जेलर कोई अंदर आए उसके हाथ में टेजर भी है और डंडा भी है और वो टेज भी करे और डंडे से भी मारे मुजिम को और मुजिम पलट के हल्का सा थप्पड़ लगा दे, जितनी उसके अंदर जान है वो उससे बियॉन्ड तो नहीं कर सकता कुछ. सो दैट इज द स्टेट. मतलब इसको हम कॉन्फ्लिक्ट नहीं कह सकते बिकॉज दोनों साइड पे जो जो कंपेरिजन है फोर्सेस का वो बहुत अनइवन है, बहुत अनइवन है. फिर 3 इजरायली टीनेजर्स वर किल्ड इन द समर ऑफ 2014 बाय हमास मिलिटेंट्स नियर अ ज्यूइश सेटलमेंट इन द वेस्ट बैंक. अच्छा, वंस अगेन हमें ये पता है कि आईसीजे ने जजमेंट भी दी हुई है इसके ऊपर, एडवाइजरी भी मौजूद है. ऑस्लो कॉर्ड्स के हिसाब से वेस्ट बैंक की एक्सपेंशन इसराइल को रोक देनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने नहीं रोका. तो ऑब्वियसली द पीपल दैट आर लिविंग देयर, जिनको ये लोग घरों से निकाल के और फर्दर पुश बैक कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या करना है? दे आर गोइंग टू फाइट बैक. यू कीप ब्रिंगिंग पीपल टू सेटल देयर और उनको वीजा आप दे रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, देन यू आर सप्रेसिंग दीज पीपल. उनके लिए वहां पर जीना बहुत मुश्किल है. अच्छा, अपार्टाइड स्टेट जो है, अपार्टाइड वाज अ कॉन्सेप्ट दैट वाज फर्स्ट इनिशिएटेड इन साउथ अफ्रीका. और वो क्या था ये प्लीज लुक दिस अप, आई विल आस्क दिस इन द नेक्स्ट क्लास. ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि सर्च अप द वर्ड अपार्टाइड स्टेट क्या होती है, जहां पे सेग्रीगेशन कर दी जाए और ऑन द बेस ऑफ रिलीजन कास्ट क्रीड जो है सिटीजन्स को इक्वालिटी ना हो, तो ये अपार्टाइड स्टेट है. तो जो लास्ट नोन एग्जाम्पल है वो 90s के अंदर थी, फ्रॉम बिटवीन द साउथ अफ्रीकन व्हाइट अमेरिकन्स एंड द साउथ अफ्रीकन ब्लैक अमेरिकन्स, कि जी वो जो वहां पे सेटलर्स थे जो ब्लैक पॉपुलेशन थी उनके खिलाफ बहुत डिस्क्रिमिनेशन थी. अब इजरायलीज के साथ भी इसी तरह ही हो रहा है कि एक माइनॉरिटी ज्यूइश गवर्नमेंट है या ज्यूइश जो माइनॉरिटी में है बनिस्बत इजरायलीज के, अगर उन सबको एक्चुअली बुला लिया जाए और उन सबको गिन लिया जाए तो वो मेजोरिटी में, दे आउट नंबर द ज्यूइश सेटलर्स बाय क्वाइट अ लॉट एक्चुअली, व्हिच इज व्हाई द इजरायली स्टेट विल नेवर गिव देम अ पासपोर्ट. सो वो उनको नहीं रिकग्नाइज करते. फिर वही जो बात मैंने आपको की कि 2017 के अंदर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड्स टू रिकग्नाइज जेरूसलम एज द कैपिटल ऑफ इजराइल. अब ये भी एक चीज है कि जो कि फुल फ्लेज हो नहीं सकी बिकॉज इतना जनरली अनपॉपुलर मूव थी ये इंटरनेशनल लॉ के तहत भी, एंड पीपल डिसाइडेड मेनी कंट्रीज केम फॉरवर्ड एंड सेड दिस इज इलीगल, यू कैन नॉट डू दिस बिकॉज ये इसके ऊपर कोई डिसाइडेड लाइन ही नहीं है. हाउ कैन यू जस्ट डिसाइड कि ये इसराइल का कैपिटल है? वो तो चाहते हैं ये क्यों हो जाए, but it is a contentious zone. फिर अभी जो recently, I think this is the first time in history कि social media activity has physically pressurized Israel into backing off for the first time in history. Quite literally, पहली दफा ऐसा हुआ है कि 2021 के अंदर ये जो भी इतनी violence breakout हुई क्योंकि नमाजियों के ऊपर जो है इन्होंने हमला कर दिया जो कि मस्जिद अक्सा में नमाज अदा कर रहे थे Palestinians और Israelis. And उनके ऊपर हमला किया, एंड दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द वर्स्ट फाइटिंग दैट एवर ब्रोक आउट बिटवीन हमास एंड इजराइल. सो उनका जो रिस्पॉन्स था और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ एंड द पीपल दैट डाइड एंड दैट गॉट इंजर्ड, इट इज अ टेरेबल स्टोरी. एंड दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट दैट इज नॉट गोइंग टू एंड एनी टाइम सून अनलेस एंड अंटिल समहाउ इजराइल को जो है वो बैक कॉर्नर कर लिया जाए या बैक आउट कर दिया जाए. बट मगर वो अब करना बहुत इम्पॉसिबल होता जा रहा है because Israel as a state has gotten so strong. और फिर ऊपर से जो अरब स्टेट्स की इनके साथ मुख्तलिफ एमनेस्टी स्कीम्स हैं एंड देन UK, UN एंड जनरली भी आप जो आपकी अरब स्टेट्स थी जैसे कि ओमान था, UAE है एंड देन सऊदी अरब, दीज पीपल हैव नाउ ओपनड अप डायलॉग्स एंड बैक चैनल्स विद इसराइल. तो इसराइल अब इम्बोल्डन हो चुका है. अब इट इज नॉट नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड एज सच. इट इज फार मोर सुपीरियर इन मिलिट्री टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड एवरी अदर एस्पेक्ट इन फैक्ट. सो देखा जाए तो अगर उस परस्पेक्टिव से देखा जाए तो ये कहना कि जी बेसिकली द अरब्स हैव अबैंडन्ड द पैलेस्टीनियन कॉज, इफेक्टिवली दे हैव. पाकिस्तान ऑफिशियली इसको अबैंडन नहीं कर सकता बिकॉज वी डू नॉट रिकग्नाइज इसराइल एज अ स्टेट,
However, that future might not be that far away. Because ab Arab states jo hain wo Israel ko recognize karna shuru ho gayi hain. Because they have realized ki fighting with them is no longer an option. तो ये रियलिटी के साथ हम चल रहे हैं, ऑल्दो वी आर सिवियरली अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन, जैसे कि हम इंडिया के साथ कभी भी ट्रेड नहीं खोल सकते कश्मीर इशू की वजह से, तो पैलेस्टीनियंस की वजह से हम कभी भी इसराइल के साथ ताल्लुकात सही नहीं कर सकते. बट गिवन देयर पोजीशन एंड पावर इन इंटरनेशनल कम्युनिटी दीज डेज, दिस माइट नॉट बी सच अ फार फेच्ड ओपिनियन. समवेयर अलोंग द लाइन वी माइट हैव टू रियलाइज दिस, अनलेस समथिंग चेंजेस अक्रॉस economic lines in the next 3-4 decades, chances are ki Israel ki recognition would not be really a problem anymore. So they are growing quite rapidly. Aur wo jo Palestinians ka jo hai na, jo winning or yeah, becoming a state, it's too slowly dwindling. This reality is becoming a dream by each passing day. Lekin jab tak, once again, many people said the same thing about the Afghans and about Kabul. So we now see that after 20 years of occupation, they are now sitting in the very capital that decided to bomb them. So wo wahan baithe hain. It's not outside the realm of possibility ki ye yahan pe bhi aisa kuch ho sakta hai. Maybe somewhere along the line. However, thinking of like a permanent sort of occupation by Israel, it is going to be very difficult to justify this ki ye aisa ho sakta. लेकिन वी डोंट नो द फ्यूचर, बट ये प्रोजेक्शंस है इसके हवाले से. ओके, सो दैट इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, एंड इंशाल्लाह मंडे को हम जो है कवर करना शुरू करेंगे पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एंड इट्स वेरियस